कोटा में एयरपोर्ट शुरू हो इसके लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हुई है। कोटा के नए एयरपोर्ट को लेकर आज दिल्ली में अहम और एक बड़ी बैठक हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की है। इस बैठक में विमानन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार बैठक में सैद्धांतिक सहमति बनी है कि कोटा का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा में ही बनेगा। नया एयरपोर्ट जल्द से जल्द बने इसके लिए जमीन की मांग को लेकर राज्य सरकार को फिर से पत्र भेजा जाएगा और उड्डयन मंत्रालय सभी इश्यूज को क्लियर कर कोटा एयरपोर्ट के लिए गति लाएगा। अब दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद 2 से 3 साल में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच नए एयरपोर्ट को जमीन को लेकर कब तक सहमति बन पाती है। I had a meeting with the honorable speaker, मेरे मंत्रालय में जो सचिव हैं प्रदीप खरोला जी और हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह जी, हमारी ऑनरेबल स्पीकर साहब के साथ कोटा के जो हवाई अड्डे के बारे एक मामला जिसके बारे हमारी राज्य सरकार से भी चर्चा काफ़ी देर की हो रही है तो उसके बारे चर्चा की और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रपोजल है कोटा में नया हवाई अड्डे बनाने का हम इसको जल्द से जल्द इसको हम आगे बढ़ा सकें और आने वाले दिनों में हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ बाकी जो इश्यूज हैं एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की और नए एयरपोर्ट बनाने की वी होप टू कंप्लीट दोज डिस्कशंस फॉर अ वेरी अर्ली डिसीजन। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।